हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पिट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 2021 का है। यानी 2021 में जो एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी पिट का, उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, उसी सेम क्वेश्चन पेपर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है, जिसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए, यानी तामस रो, फायान, भेनसांग, ये तीनों किस क्रम में भारत आए थे। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले फायान आया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, यानी विक्रमादित्य के। फिर उसके बाद भेनसांग आया, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। फिर उसके बाद तामसरो आया। तो इसमें जो सही हो जाएगा, सेकंड थर्ड फर्स्ट किसमें दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, यानी सिराजुद्दौला जो था उसने अंग्रेजों के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। तो किस युद्ध में वो अंग्रेजों से पराजित हो गया था, यानी परास्त हो गया था, बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, बांडीवास, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो बी हो जाएगा, जो लॉर्ड डलहौजी था वो हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रथम प्रसिद्ध सेनापति थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार थे, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, कि जो धनवंतरी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका जो एक पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे, मेघास्तनीस, फायान, भेनसांग, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेघास्तनीस, जो कि क्या था, एक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मौर्यकालीन के बारे में, मौर्यकालीन भारत की जो स्थिति थी वो सभी उसने दर्शाई थी अपनी पुस्तक में। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि साइमन कमीशन जो था वो किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था, 1925 में, 1926 में, 1919 में, या 1928 में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, कि साइमन कमीशन 1928 में भारत में प्रथम बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज, यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, बंबई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, या लखनऊ अधिवेशन। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सही मैच करना है, इधर आर्मी दी हुई है और इधर उनके संस्थापक दिए हुए हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड जो है वो आपके सुभाष चंद्र बोस, गदर आर्मी से रिलेटेड है लाला हरदयाल, मित्र मेला वीर सावरकर से रिलेटेड, और होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं बेसेंट ने की थी। तो यहाँ जो आपका सही मैच हो जाएगा वो जाएगा 2134। तो 2134 किस में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया, खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, या अब्दुल कलाम आजाद। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षडयंत्र केस में शामिल था, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्रांतिकारी जो संगठन था वो काकोरी षडयंत्र केस में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं नागार्जुन सागर बांध जो बना है वो किस नदी पर बना है, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, गंगा नदी पर, या कावेरी नदी पर। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई, 1951 में, 1953 में, 1955 में, या 1958 में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण यानी राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण, दर्रा अभ्यारण, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, या घाट प्रभा अभ्यारण। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है कमेंट करके। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो भरतपुर में पक्षी अभ्यारण स्थित है उसका नाम है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फिर आपसे कह रहे हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, यानी भिलाई इस्पात संयंत्र जो है उसके लौह अयस्क का सोर्स क्या है, दिल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया या राजनांदगांव। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या हुआ, एक तरफ दर्रा दिए हुए हैं, यानी दर्रे के नाम दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड स्थान दिए हुए हैं, तो आपको सही मैच करना है कि इनमें से सही मैच कौन सा हो जाएगा। तो नहीं सॉरी, इसमें मैच दिए हुए हैं, आपको ये देखना है कि कौन सा जोड़ा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है कि जोजिला और बुर्जिल जो दर्रा था वो जम्मू कश्मीर में है, बारा लाचला ला और सिपकी ला उत्तर प्रदेश में है, थागा ला और नीति पास और लिपु लेख हिमाचल प्रदेश में है, और नाथुला और जेलेब ला ये सिक्किम में है, यानी ये दर्रे इस तरह स्थान में सुसज्जित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही नहीं है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ आपका लास्ट वाला सही है कि नाथुला और जेलेपला जो दर्रा है वो आपका सिक्किम में स्थित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1 और 2 और 3 तीनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी, ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या व्यक्तिगत कर। यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति में अगर वृद्धि हो जाए तो निजी निवेश में बढ़ने के फलस्वरूप, यानी कि निजी निवेश में भी वृद्धि की संभावना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है, आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने वाली संस्था है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। फिर कह रहा है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या कृषि। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है तृतीयक, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन या नॉर्मन एडबर्ग। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत क्रांति के जो जनक है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो आपकी राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण या लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निदेशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजनीति के जो निदेशक सिद्धांत है वो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 46। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। फिर कह रहा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, बलवंत राय मेहता समेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार रखा था बलवंत राय मेहता समिति ने रखा था। इस क्वेश्चन देखते हैं, कहना है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता। तो ये आपको
खुद कमेंट करके बताना है, यानी इस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप नहीं बता पाते तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध की इसाई इकाई कौन सी है, फैराडे, ओम, वोल्ट या एम्पियर। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी, प्रतिरोध की इसाई इकाई है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नींबू में, सॉरी यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, साइट्रिक एसिड। नींबू में क्या होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है जिसकी उपस्थिति के कारण नींबू का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। इसलिए यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि कर्कट जनक रसायन से होता है, हृदय रोग, मधुमेह, सॉरी कह रहा है कि कर्कट जनक रसायन से होता है कौन सा रोग, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर या दमा। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कर्कट जनक रसायन से होता है आपका कैंसर। फिर कह रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस या स्पेशियल डर्मिस। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, जिसे हिंदी में अधिचर्म भी कहते हैं। ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसे आपको खुद ही सॉल्व करना है। इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन कोई भी नहीं सॉल्व कराऊंगी मैं, इस मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं हम बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग होते हैं। तो अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देख के सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और 32 का आपका, इसमें भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर 33 की बात करें तो इसमें भी आपका, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 34 में क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, तीव्र, तृष्णा, त्यागी या कुंठित। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित। फिर कह रहा है कि गजवदन का पर्यायवाची कौन है, गर्जन, मेघनाद, गणपति या विष्णु। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, गजवदन का पर्यायवाची होता है गणपति। फिर कह रहा है कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, कंटक, विकीर्ण, कुचैला ये कंटका कीड़। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांटों से भरा हुआ यानी कंटका कीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका इसमें कह रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पछतापूर्ण निर्णय करना या उचित निर्णय करना। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उचित निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें शुद्ध वर्तनी आपको चयन करनी है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहिष्कार अगर इस तरह आप लिखते हैं तो ये आपका शुद्ध वर्तनी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें 41 से लेकर 43 तक क्वेश्चन को आपको पैसेज रीड करके आंसर देने हैं। देखते हैं क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द ऑथर सैड रीडिंग इन टू द डार्कनेस बिकॉज, इसमें कह रहा है आई सेट अप इन बेड पेयरिंग इन टू द डार्कनेस एंड पॉइजनिंग ग्लेसिंग एट द राउंड विंडो इन द साइड ऑफ शिप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, द विंडो हैड लुक्ड लाइक द ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बिकॉज, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, क्या रीजन था कि ऑथर अपने बेड से बाहर चला गया। यहाँ देखिए दिया भी हुआ होगा, आउट ऑफ बेड नॉट हैविंग अलाउड ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर, यार राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है सही हो जाएगा, कोल्ड ब्रीज ब्लेव पास्ट हिज फेस। फिर कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, तो यहाँ आपको सबसे पहले रीड करना पड़ेगा पैसेज, उसके बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्राइड का आपको सिनोनिम बताना है, कि प्राइड का सिनोनिम क्या होगा, ह्यूमर, हेट, डिग्निटी या कवर्डिस। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिग्निटी। फिर कह रहा है एटोनिम बताना है किसका, कीन का, कीन मतलब होता है उत्सुक, डल, अलर्ट, हम्बल या ईगर। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डल। फिर आपको यहाँ क्या करना है, कुत्ता रेबीज तो मच्छर किससे रिलेटेड हो, कुत्ता अगर काट लेता है तो कौन सा रोग हो जाता है, रेबीज हो जाता है, तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होगा, मलेरिया हो जाएगा। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। फिर कह रहा है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, नन यानी धर्म संघिनी, सूरवीर, मुनि या पादरी। तो यहाँ आपका बी सही हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि सूरवीर इन तीनों से अलग है, ये सभी धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन सूरवीर क्या करता है, वो युद्ध करता है, प्रजा की रक्षा करता है, और धार्मिक कार्य पादरी करता है, मुनि करता है, नन करता है, यानी भगवान की पूजा करते हैं ये लोग, तो ये एक ग्रुप के हो जाएंगे और सूरवीर इनसे डिफरेंट हो जाएगा, तो इस वजह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे आपको खुद सॉल्व करना है, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे भी आपको खुद ही सॉल्व करना है। फिर कह रहा है कि जिस भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान या कर्नाटक? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजस्थान राज्य ऐसा है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस। फिर कह रहे हैं आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, मास्टर कार्ड। फिर कह रहा है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजना, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आयुष मंत्रालय द्वारा। फिर कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया, कशिश लाकड़ा, मरियप्पन थंगावेलू, देवेंद्र झांझरिया या अजीत सिंह? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन कुछ दिया नहीं हुआ है, तो आपको खुद ही ये क्वेश्चन का आंसर बताना है, अगर आप नहीं बता पाते तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर कह रहा है कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है, 7.6%, 6.66%, 8.6% या 9.6%? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 7.6%। फिर कह रहा है कि भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, यानी कि बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या विद्या बालन? तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्या बालन के नाम से रखा है। फिर कह रहा है कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है, रूस, यूएसए, भारत या जापान? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, जापान। फिर कह रहा है कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, डीएमके, बीजेपी, एआईएमडीएमके, पीएमके? तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डीएमके। फिर कह रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आइसलैंड या पुर्तगाल? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आइसलैंड। फिर कह रहा है कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी किस देश को थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, जापान, भूटान, नेपाल या श्रीलंका? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है भूटान। फिर कह रहा है कि रियाद किस देश की राजधानी, म्यांमार की, बांग्लादेश की, सऊदी अरब की या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रियाद आपकी सऊदी अरब की राजधानी है। फिर कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, सिक्किम, गोवा, मेघालय या मिजोरम? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा सबसे छोटा राज्य है और इसकी समुद्री सीमा भी सबसे छोटी है। फिर कह रहे हैं राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो राज्यसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। फिर कह रहे हैं कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या 30 नवंबर? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में, द हेग में, एमस्टर्डम में या विनिया में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द हेग में। इस क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित है, यानी किस स्थान पे स्थित है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश, खजुराहो की जो मूर्तिकलाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध नबकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है, केरल से, बिहार से, राजस्थान से या उड़ीसा से? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो प्रसिद्ध उत्सव है ये उड़ीसा से रिलेटेड है। फिर आपसे पूछा है कि कौन सी एक हरित ग्रह गैस नहीं है, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो एक हरित ग्रह गैस नहीं है। इस क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें कह रहे हैं अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, या विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। फिर आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसको रीड करके आपको 71 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्प्रहणी शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, प्राप्त करने योग्य। उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि क्या बताया है लेखक ने, लेखक ने बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। इसमें कह रहे हैं कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ जो लेखक का उद्देश्य था वो हो जाएगा आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता को बताना। फिर आपसे पूछा है धर्म निरपेक्षता से अभिप्राय क्या है, सभी धर्मों का आदर, धर्म में हस्तक्षेप करना, किसी धर्म की अवज्ञा, किसी भी धर्म को ना मानना। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सभी धर्मों का आदर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। फिर यहाँ आपको एक पैसेज दिया हुआ जिसे रीड करके आपको आगे के क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं, अच्छे से देख लीजिए और रीड भी कर लीजिए जिससे कि आप आगे के क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं जिनमें पहले पैसेज दे देता है फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। इसमें कह रहे हैं कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव को सृष्टि का लघु रूप क्यों माना गया है, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। फिर कह रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, किसमें अभाव होता है, साहित्य शास्त्री में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई है कि दायित्वपूर्ण चुनौती थी, कैसे थी। यहाँ आपको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, निरामय का जो पर्यायवाची होता है वो है स्वस्थ। तो इस वीडियो में हमने टोटल 80 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो आगे के 20 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है और 100 नंबर का होता है। तो आगे के जो 20 क्वेश्चन थे वो आपके मैथ से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस वीडियो में हम मैथ के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में टोटल हमने 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।